सबसे पहले तो उस परमात्मा का शुक्राना करने आज पहुंचे थे। लगभग 421 दिन के बाद हमने जो कुरुक्षेत्र गोल्डन हट है, एक राई गोल्डन हट है, जो राई वाला गोल्डन हट हमने 421 दिन के बाद ओपन किया, तो उस परमात्मा का शुक्राना करने पहुंचे थे। लेकिन एक दर्द भी है, एक दुख है बहुत बड़ा मन में। वो दुख ये है, हम एक परमात्मा के आशीर्वाद से एक सेवा पकड़ी थी हमने कि इस किसान मोर्चे में जब तक भी किसान मोर्चा चलेगा, भले वो कितना ही लंबा चले, हम अपनी सेवाओं को कंटिन्यू रखेंगे। और परमात्मा ने उस बात की लाज रखी, इज्जत रखी, और हमें उस चीज़ में हमारी इज्जत रही। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर आदमी से पता नहीं कितनी अपेक्षाएँ करता है। तो बहुत से फ़ोन कॉल बीच में भी आते रहे, और जो हमारे से बन सका हमने किया भी उनके लिए। लेकिन बहुत से आदमियों को ये बोला हुआ था कि भाई जब तक होटल ओपन नहीं होगा तब तक मैं थोड़ा मजबूर हूँ, काम चलने के बाद मैं सोचूंगा कुछ ना कुछ, जो मेरे से होगा मैं करूँगा आपकी हेल्प। हेल्प का मतलब इस देश में पता नहीं कितने दुखियाँ हैं। मैं अगर गिनती करें तो मेरे ख्याल से सुखी तो कोई है ही नहीं, हर आदमी इतना दुखी है। तो लगभग 2 दिन होटल ओपन के हुए और 2 दिन में कम से कम भी 150 से ऊपर फ़ोन कॉल मेरे को आ चुकी, मेरी ये प्रॉब्लम है। और जहाँ तक है उनकी प्रॉब्लम भी जायज़ है, लेकिन मैं परमात्मा ने जितना सामर्थ्य दिया उतना हमने किया। तो मैं साध संगत को, सभी उन भाइयों से, उन एनआरआई भाइयों से जो भी बाहर रहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में अगर कोई दुखी परेशान है, देखो अगर हम किसी का कुछ हाथ बटाएंगे, कुछ सहयोग करेंगे, तो उस परमात्मा के घर एक बड़ी आत्मा को भी शांति मिलती है और उस परमात्मा के घर भी हमारी हाजिरी लगती है। तो एक आत्मा की अगर हम आशीष लेते हैं तो हमारे 100 पाप धुल जाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है हमें कि अगर एक आत्मा की संतुष्टि होगी तो 100 पाप धुल जाते हैं। लेकिन हम पता नहीं अपने शौक के लिए तो हम पता नहीं कितना खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात दान पुण्य की या दया धर्म की आती है या किसी जरूरतमंद को उसका हेल्प करने की आती है, तो हम जेब में ये देखते हैं सबसे छोटा नोट कौन सा है। देखो परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है तो हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये दुनिया, ये संसार सब यहीं रहना है, कुछ साथ ना गया है, किसी के ना जाना है। लेकिन उस परमात्मा ने अगर हमें किसी सामर्थ्य के लायक हमें कुछ शक्ति या कुछ हमें बख्शा है, तो उसको हमें मिल बांट के खाने में जो आनंद है, थोड़ा घना जितना जिसका सामर्थ्य है, अपने आस पड़ोस में अगर कोई दुखी है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। मैं लगभग पूरी रात नहीं सो पाया, इतना मन दुखी था, इतने फ़ोन कॉल, अब मैं किस किस की वर्णन करूं, समय कम है तो थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना। ये नहीं है वो किसी भी धर्म का हो सकता है जरूरतमंद भाई के कोई, हमें सभी धर्मों से ऊपर होता है इंसानियत का धर्म, तो हमने इंसानियत का पहरा देना चाहिए। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा, मेरे ख्याल से पंजाब में ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ से लोग बाहर ना हों, NRI ना हों। अगर थोड़ा थोड़ा अपने गाँव में एक व्यवस्था बनाए कि भाई कोई $100, कोई $50, जिसका जैसा व्यक्त तो है, जैसा सामर्थ्य है, कि कोई एक ऐसी संस्था हर गांव में बने, एक ऐसा स्थान बने भाई, इस गांव में अगर कोई तंग है, कोई परेशान है, तो उसकी हेल्प के लिए उसको, इतनी ठंड का टाइम है, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्यों, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं हूँ। लेकिन चलो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं और भाइयों से भी अपील करूँगा, अपने आसपास एक बार ज़रूर झांक के देखें,
सुबह शाम पता नहीं कितने आदमी दुखी हैं, कोई दवाई के बिना दुखी है, कोई पढ़ाई के बिना दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई मकान से दुखी है, पता नहीं झोपड़ी में अपना टाइम कट रहा कैसे कट रहा है, बरसात का मौसम आ जाता है तो हमें पता ठंड में। तो मैं बस ये अर्जी है सभी भाइयों से, परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतनी बुद्धि दे हमें कि हम जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प कर सके। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश की कहना चाहते हो, किसानों का तुहाडे वल्लों काफ़ी वड्डा साथ दिता गया, तो हुण किसानों के वल्लों अपनी पार्टी बना दी गई है। भाई जी ये उनका अपना मत है और अच्छी बात है, वो मैं मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, क्यों वो हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उन्होंने जो किया सोच समझ के किया होगा, हम उसमें मतलब कोई आलोचना नहीं कर सकते किसी बात की। जो हर आदमी को अपना पूर्ण अधिकार है और जैसा उनको अच्छा लगा उन्होंने किया, उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस मैं तो एक ही अपील कर रहा हूँ कि ठीक है पार्टी बना ली, एक गांव में किसान मोर्चे वाले भी हैं, अकाली दल वाले भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी के भी हैं, और भी कोई ना कोई आज़ाद खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है, लेकिन हालात कुछ समय इलेक्शन का समय कुछ टाइम होता है, हमने फिर इकट्ठे रहना है हर घर में हर गांव में, तो हमने भाईचारा ख़राब नहीं करना, हमने जो प्रेम प्यार आपस में होना चाहिए वो प्रेम प्यार वैसे ही रहे, वोट भले हम किसी को भी दें, वोट हमारा एक अधिकार है, मतदान होता है मति का दान, मति होती है बुद्धि, हमने अपनी बुद्धि से चुनना है भाई हाँ कौन किस लायक है, किसको वोट देना है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है प्यार, प्रेम प्यार। कई दफ़ा बहुत से गुटों में आपस में झगड़े मर्डर तक हो जाते हैं, तो ये कोई मेरे ख्याल से मर्डर जहाँ हो रहे हैं या जहाँ चोट फेट खा रहे हैं आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, जिसकी वोट डाल रहे हैं उनको तो पता भी नहीं कौन है वो, तो दूसरे के ऊपर अपना आपस का प्यार खराब ना करें, ये मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है। भाई जी ये तो देखो मति का दान है कि वो तो जनता जनार्दन है, वो क्या डिसीजन लेती है उस चीज़ के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो सभी भाइयों का जो भी मतलब जब पेटी खुलेगी तो तब पता लगेगा किसके पल्ले क्या आया है। लेकिन मैं बार बार एक अपील कर रहा हूँ, अपने आसपास अगर कोई भी दुखी हो, कोई भी जरूरतमंद हो तो उसकी हेल्प कीजिए। मैं परमात्मा कभी नहीं रखता, वो कई गुणा करके देता, आप करके देखो एक बार, वो किसी का नहीं रखता तो आपका क्यों रखेगा। हम लगा रहे हैं देखो अच्छा है माड़ा अगला, वो उसके ऊपर छोड़ दो, हम किस भाव से कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है करने में, हम उस परमात्मा के नाम से देते हैं, किसी को भी 2 रुपये देते हैं और वो दुआ दे रहा है, 10 रुपये देते हैं वो दुआ दे रहा है, तो हमें ये दुआ वो अनमोल रत्न है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये वो खजाना होता है जो कभी खाली नहीं हो सकता। तो मैं दोबारा फिर हाथ जोड़ के ये अपील करूँगा भाइयों से कि मेरे पास इतने फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि भाई हमें इस, और वो जेन्युइन है बिल्कुल, क्यों देश के हालात ऐसे बन चुके हैं, हमारा राजनीतिक तंत्र है जो इतना मतलब भ्रष्ट हो चुका है कि जिसमें कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, लेकिन हम आपस में देखो अपना पेट जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग, जो जरूरतमंद हो वो भले किसी जाति का हो भले ही किसी धर्म का हो, लेकिन जरूरतमंद की मेरे भाइयों से, मैं मेरे ख्याल से अगर मैं 10 भाइयों का भी दिमाग पलट पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा इस बात के लिए कि भाई जो भी आसपास का जरूरतमंद हो तो उसका आपके घर से तीसरा घर किसी गरीब आदमी का है, किसी जरूरतमंद का है, आपको पता है शायद इसने खाना भी ना खाया हो, तो देखो हम लंगर चलाते हैं, गुरु घर आते हैं, माथा टेकते हैं, सबसे बड़ा गुरु घर है इंसानियत की सेवा करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों से ऊपर एक धर्म माना गया है वो है भूखे का पेट भरना, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना। अगर हम इस काम पे चलें तो मेरे ख्याल से कोई भी तंग नहीं रहेगा। हम अपने शौक के लिए पता नहीं कितना खर्च कर देते हैं, पता नहीं मतलब महंगे से महंगे जूते लेते हैं, फ़ोन साल में 1-2 बार फ़ोन बदल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता करो, लेकिन जो वहाँ जाएगा ना वो आपका कभी रुकेगा नहीं, वो कभी आपका मतलब वो आपकी खरी इन्वेस्ट होएगी और वो फिक्स डिपॉजिट होगा जो परमात्मा कभी रखेगा नहीं, आपको मोड़ेगा जरूर। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के राम राम सात श्री अकाल, थैंक यू।
देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।